गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू टेक योर इंग्लिश लेक्चर। सो हम ऑनलाइन लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? यस, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1। उसका नेम क्या था? उसका नेम था जो द बेबी कैटरपिलर, यूनिट नंबर 1। नेम क्या था उसका? जो द बेबी कैटरपिलर। सो अब आप लोगों को इसकी स्टोरी तो याद ही होगी ना। चलो हम एक बार फिर से उसकी स्टोरी देख लेते हैं। चलो तो इसकी स्टोरी में क्या था, किसी को याद है? यस, एक दिन समर था, राइट? समर था, समर में जो कौन थी, जो थी वो एक बेबी कैटरपिलर थी। जो एक बेबी कैटरपिलर थी वो कैसे चल रही थी? वो धीरे 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 चल रही थी। और उसको क्या बोल रहे थे? उसको बोल, जो द बेबी कैटरपिलर क्रोल्ड स्लोली, क्रोल्ड मतलब वो धीरे धीरे ऐसे स्टेप्स ले रही थी। एंड निबल्ड द ग्रीन लीव्स, वो खा क्या रही थी, वो जो है वो ग्रीन लीव्स खा रही थी, ठीक है। फिर क्या आया था? फिर ऑटम आ गया था, और ऑटम में ग्रीन लीव्स कैसे हो गए थे? ग्रीन लीव्स जो है ना वो ऑटम में येलो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? येलो। ग्रीन लीव्स जो है वो येलो में टर्न हो गए। फिर ऑटम आया ना तो जो है ना वो फिर थक गई थी। वो कितने दिनों से ऐसे चल ही रही थी, फिर ऑटम में जो है वो थक गई थी। थक के उसने क्या किया था, याद है किसी को? थक के उसने एक कोजी प्लेस ढूंढी। कोजी प्लेस मतलब कंफर्ट प्लेस, कंफर्टेबल वाली, उसको जो जहाँ पे कंफर्टेबल फील होता था वहाँ पे उसने एक कोजी प्लेस कहाँ पे ढूंढी थी? ग्रेप वाइन में। ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप जहाँ पे ग्रो होती है उसको बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ अ ग्रेप वाइन। वहाँ पे उसने एक प्लेस ढूंढ ली अच्छी कंफर्टेबल वाली। फिर ग्रेप वाइन के लीव्स का उसने ब्लैंकेट बना लिया। हम जैसे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, वैसे ही जो ने किसका ब्लैंकेट बनाया था? जो ने जो है वो ग्रेप वाइन के लीव्स का ब्लैंकेट बना लिया था। फिर उस वो तो सो गई थी अच्छे से, क्योंकि वो कितने दिनों से चल रही थी। फिर जो सो गई थी, फिर विंटर आ गया। विंटर में ग्रेप वाइन के लीव्स कैसे हो गए थे? पूरे स्नो से कवर हो गए थे। फिर जो को तो कुछ पता ही नहीं था। जो को तो अंदर अच्छा लग रहा था क्योंकि अंदर ठंडी फील हो रही थी। फिर जो तो सो रही थी, देन स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग में क्या हुआ था? स्प्रिंग में ब्राइट सनबीम्स आते हैं। सनबीम्स मतलब सन रेज। हमको जो सन रेज मिलते हैं ना उसे सनबीम्स भी बोलते हैं। देन जो लंबी स्लीप से उठी थी। फिर प्लांट्स वोक अप फ्रॉम द लॉन्ग विंटर स्लीप। विंटर में प्लांट्स क्या करते हैं? विंटर में प्लांट्स सो जाते थे। फिर स्प्रिंग आया तो प्लांट्स ने क्या किया? प्लांट्स जो है वो उसकी लॉन्ग विंटर स्लीप में से उठ गए थे। फिर प्लांट्स ने उठ के क्या किया था? ऐसे अच्छे से ग्रो हो रहे थे। फिर एटमोसफियर बहुत अच्छा था स्प्रिंग में। द बर्ड्स सेंग दियर लवली सॉन्ग्स। बर्ड जो है वो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स सिंग कर रहे थे। फिर जो ने क्या किया? जो बिगेन टू फील वेरी वार्म। विंटर में तो क्या था? विंटर में तो जो को अंदर गर्मी ठंडी लग रही थी। देन फिर स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग में तो जो को अंदर है ना गर्मी लगने लग गई थी। क्यों गर्मी लगने लग गई थी? क्योंकि उसने ब्लैंकेट ओढ़ा था। हम थोड़ी ना समर में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, स्प्रिंग में भी ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते। फिर हर ब्लैंकेट वॉज वेरी थिक। हमारा ब्लैंकेट जैसे थिक होता है ना, वैसे ही जो का भी ब्लैंकेट बहुत थिक था। फिर जो को गर्मी लगने लग गई थी। शी स्ट्रेच्ड द बॉडी। हम ऐसे करते हैं ना, वैसे ही जो ने ऐसे स्ट्रेच किया। स्ट्रेच्ड हर बॉडी इनसाइड द ब्लैंकेट। जो ने ब्लैंकेट के अंदर बॉडी को क्या किया? स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करके क्या किया? वो ऐसे बाहर निकल गई। उसका ब्लैंकेट जो है ना वो क्रैक हो गया। हमारा ब्लैंकेट क्रैक नहीं होता है, क्यों? जो का ब्लैंकेट क्रैक हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लीव्स का ब्लैंकेट बनाया था, इसलिए लीव जो है वो क्रैक हो गया। जो केम आउट टू ग्रीट स्प्रिंग। ग्रीट स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग को वेलकम करने जो ब्लैंकेट के बाहर आ गई। बट शी हैज चेंज्ड कम्प्लीटली।
जो तो पूरी चेंज हो गई थी। क्यों चेंज हो गई थी? हमने वीडियो देखा था, राइट? क्या वीडियो देखा था? एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो पूरी प्रोसेस भी हमने देखी थी और ये चैप्टर भी वही था। पहले वो सो जाती है, फिर स्प्रिंग आता है। पहले क्या था? पहले ऑटम था, फिर जो सो गई थी, फिर विंटर आया, फिर स्प्रिंग आया, देन जो फिर से उठ गई थी। उठ के क्या किया उसने? वो ब्लैंकेट से बाहर निकली। ब्लैंकेट मतलब ब्रांचेस ऑफ अ ग्रेपवाइन। ब्लैंकेट के बाहर निकली तो जो तो पूरी चेंज हो गई थी। अंदर कैसे गई थी वो? अंदर तो एक कैटरपिलर की तरह गई थी, बट बाहर कैसे आई वो? वो बाहर आई ना, तब वो एक बटरफ्लाई बन गई थी। हम जो ये बटरफ्लाईज देखते हैं ना, वो पहले जो बॉर्न होते हैं ना, तब वो एक छोटा सा कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर मतलब छोटा सा इंसेक्ट होता है। फिर उसकी एक प्रोसेस होती है और फिर वो बड़ा होके बटरफ्लाई बन जाता है। जो को तो कलरफुल विंग्स भी आ गए थे और जो तो अब उड़ने लगी थी। पहले जो क्या कर रही थी? पहले वो धीरे धीरे चल रही थी, उसको उड़ना थोड़ी ना आता था। फिर वो उड़ने लगी थी और उसको बहुत मजा आ गया था। कम ऑन नाउ, कम एट द पेज नंबर 5। ये जो बुक के पेजेस की PDF है ना, मैं आप लोगों को WhatsApp ग्रुप में भी सेंड करूंगी और अब बुक स्टोर में बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप लोगों के पास शायद बुक्स तो आ ही गई होंगी। नाउ कम एट पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में क्वेश्चन ए है, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। इसमें हमें क्या करना है? टिक राइट करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? मैं यहाँ पे आंसर बोलती जाऊंगी, आपको देखना है। जो वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन। जो क्यों टायर्ड हो गई थी, किसी को पता है? चलो ऑप्शंस देखते हैं। ईटिंग लीव्स, ईटिंग खा के वो टायर्ड हो गई थी? नहीं। क्रॉलिंग फॉर मेनी डेज, वो चल चल के थक गई थी? यस, ये है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सेकेंड वन, क्रॉलिंग फॉर मैनी डेज। जो वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन क्रॉलिंग फॉर मैनी डेज। नाउ सेकेंड वन इज सून, इट वॉज विंटर एंड द ग्रेप वाइन्स वर कवर्ड विद। ऑप्शन फर्स्ट है रेन। विंटर में ग्रेप वाइन थोड़ी ना रेन से कवर हुए थे? विंटर में थोड़ी ना रेन आता है? नहीं, विंटर में थोड़ी ना रेन आता है। सेकेंड ऑप्शन है स्नो, स्नो से कवर हुए थे? यस, सेकेंड वन इज करेक्ट, ग्रेप वाइन्स वर कवर्ड विद स्नो। नाउ थर्ड वन इज व्हेन इट वॉज स्प्रिंग द प्लांट्स एंड द फ्लावर्स वॉक अप फ्रॉम दियर विंटर स्लीप। सही करे ऑप्शन है ये, यस, क्योंकि स्प्रिंग जब आया था तब प्लांट्स और फ्लावर्स अच्छे से उठे थे ना अपनी विंटर की स्लीप में से, तो ये फर्स्ट वन ऑप्शन इज राइट, वॉक अप फ्रॉम देयर विंटर स्लीप। नाउ नंबर फोर इज जो चेंज्ड इनटू अ ब्यूटीफुल। फर्स्ट ऑप्शन इज बी, जो एक बी बन गई थी? नहीं, जो थोड़ी ना बी बनी थी। सेकेंड ऑप्शन इज एंट, जो एंट बन गई थी? नहीं, जो थोड़ी ना एंट बनी थी। एंड द थर्ड ऑप्शन इज बटरफ्लाई, यस दिस वन इज करेक्ट, जो है वो बटरफ्लाई में चेंज हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज कंप्लीट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस। हमने ये पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया, ठीक है? फिर अब क्वेश्चन आंसर्स हमें सॉल्व करने हैं। आप लोगों ने अपनी CW बुक तो बनाई ही है, हाँ बनाई है आप लोगों ने CW। किसी ने नहीं बनाई है तो आप लोगों को 200 पेजेस की एक 4-लाइन बुक क्लास वर्क के लिए बनानी है। उसमें वन पार्ट आपको CW का रखना है और वन पार्ट आपको होमवर्क का रखना है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन वन इज व्हाट डिड जो डू व्हेन शी बिकेम वेरी टायर्ड। जो ने क्या किया था जब वो टायर्ड हो गई थी? तब पता है किसी को? यस, चलो तो अब हम लिखते हैं। आप लोगों को अपनी नोटबुक में क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखूंगी और आप लोगों के पास क्वेश्चंस तो है ही यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 आपको पेज नंबर 6 पे दिए गए हैं। आपको क्वेश्चंस भी कॉपी करने हैं और आंसर्स भी कॉपी करने हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको आंसर लिखवा दूंगी। सो आंसर फर्स्ट इज आंसर नंबर 1, व्हेन जो बिकेम वेरी टायर्ड, व्हेन
बिकेम वेरी टायर्ड। जो जब बहुत थक गई थी तब जो ने क्या किया था पता है किसी को? यस, जब जो बहुत थक गई थी तब जो ने क्या किया, जो ने एक कोजी प्लेस ढूंढी। कोजी प्लेस मतलब एक कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है। शी लुक्ड व्हेन जो बिकेम वेरी टायर्ड, फिर आपको ऐसे कोमा करना है। शी लुक्ड, लुक्ड मतलब ढूंढ रही थी वो, लुक्ड मतलब देखी एक कोजी प्लेस, वो एक कोजी प्लेस के लिए देख रही थी। शी लुक्ड फॉर ए सी ओ एस वाई कोजी प्लेस, पी एल ए सी ई प्लेस। When Jo became very tired, she looked for a cozy place. Come on, now look at the question number 2. Question number 2 जो है वो कौन से पेज पे है? मैंने आपको बताया पेज नंबर 6 पे है। When Jo was feeling sleepy, जो कब स्लीपी फील कर रही थी? स्लीपी मतलब उसे बहुत नींद आ रही थी, हमें भी नींद आती है वैसे, जो को भी नींद आ रही थी। कब वो ऐसे स्लीपी फील कर रही थी? जो वॉज फीलिंग स्लीपी, जो वॉज फीलिंग स्लीपी आफ्टर क्रॉलिंग फॉर सो लॉन्ग। क्रॉलिंग मतलब चलना, वो धीरे धीरे चल रही थी ना, उसे क्रॉलिंग बोलते हैं। चलो अब हम आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 2, जो वॉज फीलिंग स्लीपी, जो वॉज एफ डबल ई एल आई एन जी फीलिंग स्लीपी, जो वॉज फीलिंग स्लीपी आफ्टर क्रॉलिंग फॉर आफ्टर सी आर ए डब्ल्यू एल आई एन जी क्रॉलिंग फॉर मैनी डेज। हम ऐसा भी बोलते हैं आफ्टर क्रॉलिंग फॉर सो लॉन्ग, बट सो लॉन्ग मतलब क्या हुआ? सो लॉन्ग मतलब मैनी डेज। सो हमने क्या लिखा यहाँ पर? जो वॉज फीलिंग स्लीपी आफ्टर क्रॉलिंग फॉर मैनी डेज। जो स्लीपी फील कर रही थी, क्यों? आफ्टर क्रॉलिंग मतलब थोड़े डेज के लिए वो चल ही रही थी, फिर स्लीपी फील हुई और वो सो गई। चलो ये आंसर भी आप लोगों को कहाँ पे कॉपी करना है? अपनी सी डब्ल्यू बुक में। अच्छे से जैसे हम क्लासरूम में लिखते हैं ना, वैसे ही आप लोगों को नीट एंड क्लीन राइटिंग में सी डब्ल्यू बुक में घर पे भी लिखना है, ठीक है। क्लासरूम में मैं जैसे आप लोगों की वेट करती हूँ, वैसे यहाँ पे वेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग अपना वीडियो है ना वो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। Now question number 3. What is question number 3? Look at this question number 3. How did Jo feel under her thick blanket when spring came? Spring जब आ गया था तब plants और flowers तो अपनी winter sleep में से उठ गए थे, पर Jo को कैसा feel हो रहा था जब spring आ गया था? चलो वो हम देखते हैं। Under the thick blanket, Jo began to feel very warm. Very warm मतलब उसे गर्मी लगने लग गई थी। चलो तो आंसर क्या होगा? अंडर द थिक ब्लैंकेट जो स्टार्टेड टू फील वेरी वार्म। चलो आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 3, आप लोग भूल नहीं जाना क्वेश्चंस लिखने को, क्वेश्चंस लिखने ही आप लोगों को। अंडर द थिक, थिक मतलब
बहुत ही मोटा होता है ना, मोटा मतलब हम पतला नहीं बोल सकते। हम जैसे ब्लैंकेट उठते हैं, हमारा ब्लैंकेट कैसा वॉर्म होता है, वैसे ही जो का ब्लैंकेट था, जो का ब्लैंकेट क्या था, जो का ब्लैंकेट था वो लीव्स थे, तो लीव्स भी बहुत ऐसे होते हैं ना, वॉर्म होते हैं, तो फिर जो को गर्मी लगने लग गई थी। अंडर द थिक ब्लैंकेट, अंडर द थिक ब्लैंकेट जो बिगेन मतलब स्टार्टेड मतलब उसको गर्मी होने लग गई थी। जो बिगेन टू फील वेरी वार्म, जो बिगेन टू फील वेरी वार्म। चलो ये आंसर भी आप लोगों को अपनी CW बुक में लिखना है, ठीक है। कम ऑन नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपेंड टू द थिक ब्लैंकेट व्हेन जो स्ट्रेच्ड मतलब हम आलस खाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो भी ऐसे आलस खा रही थी उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेच करना, अपने बॉडी को स्ट्रेच करना। व्हाट हैपेंड टू द थिक ब्लैंकेट व्हेन जो स्ट्रेच्ड, जो थिक ब्लैंकेट, जो के थिक ब्लैंकेट को क्या हुआ था जब वो स्ट्रेच कर रही थी ऐसे, जो थिक ब्लैंकेट क्रैक्ड आउट एंड शी केम आउट एज अ बटरफ्लाई। चलो अब हम आंसर लिखते हैं। आंसर नंबर 4, जो थिक ब्लैंकेट ऐसे जो लिख के ऐसे करके एपोस्ट्रॉफी एस करना है आप लोगों को, ठीक है। चोज थिक ब्लैंकेट क्रैक्ड, क्रैक्ड मतलब टूट गया पूरी तरह से, हमारी कोई चीज होती है कैसे क्रैक हो जाती है, वैसे ही जो का ब्लैंकेट क्या हुआ था, क्रैक हो गया था। जो थिक ब्लैंकेट वॉज क्रैक्ड, CRACKED, क्रैक्ड, एंड देन क्या हुआ, एंड जो केम आउट जो बाहर कैसे निकली थी, एज अ बटरफ्लाई, जो केम आउट एज ए बटरफ्लाई, BUTTERFLY। जोस थिक ब्लैंकेट वॉज क्रैक्ड एंड जो केम आउट एज अ बटरफ्लाई। चलो ये आंसर भी आप लोगों को कहाँ पे कॉपी करना है, क्वेश्चन नंबर 3, देन आंसर नंबर 3, और आंसर नंबर 3 के नीचे आप लोगों को इसका क्वेश्चन भी कॉपी करना है और ये आंसर भी कॉपी करना है अच्छे से, नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में। हमने क्वेश्चन आंसर तो लिख लिए है, ठीक है। अब उसके नीचे का जो क्वेश्चन है वो है मैच दिस एनिमल्स विद देयर यंग वंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। एनिमल्स है उसके यंग वंस मतलब एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एनिमल्स के यंग वंस। आज मैं आप लोगों को एनिमल्स के थोड़े से यंग वंस बोलूंगी, ठीक है। आप लोगों को याद भी रखना है और अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। सो मैं आप लोगों को थोड़े यंग वंस बताने जा रही हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज कैट। कैट का यंग वन क्या होता है, कैट का यंग वन किटन होता है। किटन का स्पेलिंग क्या होता है, KITTEN, किटन, कैट, किटन। नेक्स्ट वन इज काउ। काउ का यंग वन क्या होता है, काउ का यंग वन होता है काफ, CALF, काफ। देन नेक्स्ट वन इज डॉग। डॉग का यंग वन क्या होता है, सबको पता ही है, डॉग का यंग वन होता है पपी। पपी का स्पेलिंग होता है PUPPY, पपी। देन नेक्स्ट वन इज डोंकी। डोंकी का यंग वन पता है किसी को, डोंकी का यंग वन होता है कॉल्ड, कॉल्ड भी बोल सकते हैं,
और फॉल भी बोल सकते हैं, पर हम बोलेंगे कॉल्ट। डोंकी का यंग वन होता है कॉल्ट, COLT, कॉल्ट। नेक्स्ट वन इज गोट। गोट का यंग वन क्या होता है? गोट का यंग वन होता है किड, KID, किड। नेक्स्ट वन इज लायन। लायन का यंग वन भी आप लोगों को पता ही है, राइट? लायन का यंग वन होता है कब, CUB, कब। नेक्स्ट वन इज हॉर्स। हॉर्स का यंग वन क्या होता है? हॉर्स का यंग वन होता है फॉल, FOAL, फॉल। देन पिगलेट, पिग। पिग का यंग वन क्या होता है? पिग का यंग वन होता है पिगलेट, PIGLET, पिगलेट। नेक्स्ट वन इज शिप। शिप का यंग वन क्या होता है? शिप का यंग वन होता है लैम्ब। लैम्ब का स्पेलिंग क्या है? LAMB, लैम्ब। देन कांगारू। कांगारू का यंग वन क्या होता है? कांगारू का यंग वन होता है जॉय, JOEY, जॉय। देन इज एलिफेंट। एलिफेंट का यंग वन क्या होता है? एलिफेंट का यंग वन होता है काफ, CALF, काफ। नेक्स्ट वन इज आउल। आउल का यंग वन क्या होता है? आउल का यंग वन होता है आउलेट, OWLET, आउलेट। नेक्स्ट वन इज डियर। डियर का यंग वन क्या होता है? डियर का यंग वन होता है फोन, FAWN, फोन। नेक्स्ट वन इज बेयर। बेयर का यंग वन क्या होता है? बेयर का यंग वन होता है कब, CUB, कब। देन डक। डक का यंग वन, डक यंग वन इज डकलिंग। डक्स यंग वन इज डकलिंग, DUCKLING, डकलिंग। तो चलो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, मैच वाला जो क्वेश्चन है वो अब हम करते हैं। फर्स्ट वन इज बेयर, सेकेंड वन इज डियर, थर्ड वन इज आउल, फोर्थ वन इज कांगारू, फिफ्थ वन इज डक, लास्ट वन इज एलिफेंट। नाउ दिस साइड, फर्स्ट वन इज डकलिंग, सेकेंड वन इज जॉय, थर्ड वन इज फॉन, यहाँ पे सी, फोर्थ वन इज आउलेट, देन काफ, एंड देन कब। चलो आप लोगों को तो सिर्फ मैच ही करना है, आप लोगों को कुछ और करना नहीं है। ये आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास बुक होगी, राइट? सो फर्स्ट वन इज बेयर, वो तो किया हुआ ही है। बेयर का कौन सा था यंग वन? बेयर का यंग वन था कब। चलो इसको हम इसके साथ मैच करते हैं। नाउ नंबर टू इज डियर। डियर का यंग वन क्या था? मैंने बताया था आप लोगों को, डियर का यंग वन था फोन, FAWN, फोन। नाउ नंबर थ्री, थर्ड वन आउल। आउल का यंग वन क्या था? आउल का यंग वन था आउलेट। नाउ नंबर फोर इज कांगारू। कांगारू का यंग वन कौन सा था? कांगारू का यंग वन था जॉय। फिफ्थ वन इज डक। डक का यंग वन कौन था? डक का यंग वन था डकलिंग। नाउ सिक्स्थ वन इज एलिफेंट। एलिफेंट का यंग वन क्या था? एलिफेंट का यंग वन था काफ। तो ये मैच द फॉलोइंग्स आप लोगों को अपनी टेक्स्ट बुक में कर लेना है। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ठीक है, आप लोग ऐसे याद भी रख सकते हो, और आप लोगों को अगर लिखना है, मैं बोल रही थी वो, तो आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है? चलो तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके नीचे क्या दिया हुआ है? उसके नीचे हमें ग्रामर दिया हुआ है।
हमारे चैप्टर का जो ग्रामर है वो है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स क्या है आप लोगों को पता है? नेमिंग वर्ड्स, यस, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट? फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारा नाउन आता था ना, नाउन, नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का दूसरा नेम है नाउन और नाउन का दूसरा नेम है नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं? नाउन भी बोल सकते हैं और नाउन को भी हम नेमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। चलो अब तो बुक को कंटिन्यू करते हैं। अ नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। नेमिंग वर्ड मतलब सभी चीज़ें। आपको अपने घर में कई सारी चीज़ें दिख रही है, अभी आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों के आसपास कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप लोग अपने हॉल में बैठे हैं तो आप लोगों के आजू बाजू सोफा होगा, टीवी होगा, कई सारी ऐसी चीज़ें होगी, फैंस होगे, लाइट्स होगी, फिर कई भी चीज़, किसी भी चीज़ का एक नेम होता है। टीवी है तो टीवी का नेम क्या है? टीवी का नेम टीवी है। टीवी जो है वो एक नेम है, एक पर्टिकुलर थिंग का नेम है, राइट? एक पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे क्या बुलाते हो? फ्रेंड। तो फ्रेंड वर्ड हुआ, वो क्या हुआ? एक पर्सन का नेमिंग वर्ड। फिर आपके मदर फादर है, मदर फादर को आप मम्मा पापा बुलाते हो, राइट? फिर मदर क्या हुआ? मदर बोलते हो, मम्मी बोलते हो, वो क्या हुआ? वो एक पर्सन का नेमिंग वर्ड हुआ। सभी पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स, एवरीथिंग, एवरीवन इज हैविंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स। सभी चीज़ें, पर्सन, प्लेस, एनिमल, सभी लोगों का और चीज़ों का एक नेम होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कैटरपिलर, फॉरेस्ट, ट्री। कैटरपिलर, यस, इंसेक्ट का नेम है तो वो भी एक नेमिंग वर्ड हुआ। ऐसे ही आप लोगों का नेम है तो वो भी एक नेमिंग वर्ड हुआ। आपके मम्मा पापा का नेम है, वो भी एक नेमिंग वर्ड हुआ। फिर आपके फ्रेंड्स का नेम है, आपके पास कोई चीज़ है, टॉयज है, फिर आपके पास पेट है, तो सभी चीज़ों का क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। अ नेमिंग वर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड ए नाउन। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, नेमिंग वर्ड को नाउन भी बोला जाता है। चलो नाउ कम टू द पेज नंबर 7। 7 पेज पे है, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस। हमें ये अंडरलाइन करना है, ठीक है? मैं रीड करती जाऊंगी, आप लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंड, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, ओके? फर्स्ट वन इज द कैटरपिलर कवर्ड हरसेल्फ विथ अ ब्लैंकेट। चलो यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स है, दो नेमिंग वर्ड्स है, कोई बताएगा क्या है? चलो द नेमिंग वर्ड है? नहीं, द थोड़ी ना नेमिंग वर्ड है। कैटरपिलर है नेमिंग वर्ड? यस, कैटरपिलर इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एन इंसेक्ट। कैटरपिलर किसका नेमिंग वर्ड है? कैटरपिलर एक इंसेक्ट का नेमिंग वर्ड है। कवर्ड नेमिंग वर्ड है? नहीं, कवर्ड नेमिंग वर्ड नहीं है। हरसेल्फ नेमिंग वर्ड है? नहीं। विथ? नहीं। फिर ए? नहीं। ब्लैंकेट नेमिंग वर्ड है? यस। ब्लैंकेट किसका नेमिंग वर्ड हुआ? एनिमल का? नहीं नहीं नहीं, एनिमल का नहीं, ब्लैंकेट एक थिंक का नेमिंग वर्ड हुआ। नाउ सेकेंड वन, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या अंडरलाइन करना है? कैटरपिलर अंडरलाइन करना है एंड ब्लैंकेट, दोनों को आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है, ठीक है? नाउ सेकेंड वन, सेकेंड वन इज मोस्ट बर्ड्स लीव इन नेस्ट्स। मोस्ट बर्ड्स लीव इन नेस्ट, तो इसमें नेमिंग वर्ड क्या हुआ? मोस्ट नेमिंग वर्ड हुआ? नहीं। बर्ड्स नेमिंग वर्ड हुआ? यस, बर्ड्स नेमिंग वर्ड हुआ। तो बर्ड्स को आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है। लीव नेमिंग वर्ड नहीं है, फिर इन भी नेमिंग वर्ड नहीं है, नेस्ट हुआ नेमिंग वर्ड? यस। नेस्ट क्यों नेमिंग वर्ड हुआ? जैसे हम एक प्लेस पे रहते हैं वो एक प्लेस का नेमिंग वर्ड होता है, वैसे बर्ड्स जो है वो भी एक जगह पर रहते हैं, तो नेस्ट भी एक प्लेस का नेमिंग वर्ड हुआ। नेस्ट भी एक प्लेस का नेमिंग वर्ड हुआ, तो इसे भी हम अंडरलाइन कर देंगे। नाउ नंबर 3, माय फादर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इसमें क्या नेमिंग वर्ड है? फादर। फादर को आप लोगों को अंडरलाइन करना है। क्यों? फादर जो है वो एक पर्सन का नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड।
Now number four. Number four is my sister goes to school in the school bus. चलो इसमें क्या naming word हुआ? Sister. Sister किसका naming word होता है? Sister एक person का naming word होता है, ठीक है? Goes to school. School क्या हुआ? School एक place हुई. आप लोग रोज school आते हो? Yes, हम आते हैं. तो आप सब लोगों को क्या बोल कर आते हो? आप सब लोगों को ऐसा बोल कर आते हो कि मैं school जा रहा हूँ. तो हम किसी भी प्लेस पे जा रहे हो तो हम क्या बोलते हैं? वो एक प्लेस का नेमिंग वर्ड है. यहाँ पर भी स्कूल क्या है? एक प्लेस का नेमिंग वर्ड. तो उसको भी आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है. इन द स्कूल बस. स्कूल बस क्या हुआ? यस, स्कूल बस एक व्हीकल का नेम है. यस, तो वो क्या हुआ? एक थिंग ही हुई. तो उसका भी एक नेमिंग वर्ड है ना. हम बोलते हैं स्कूल बस, तो वो भी हमने नेम लिया ना. यस, तो उसको भी आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है. Now number five. Number five is the boy is wearing a hat. इसमें क्या हुआ? इसमें naming word हुआ boy. Boy किसका naming word हुआ? Boy naming word हुआ एक person का. Boy person का naming word है, ठीक है? इसको आप लोगों को underline कर देना है. Is wearing a hat. Hat किसका naming word हुआ? Hat जो है हम पहनते हैं, तो वो भी एक थिंग हुई ना. उसका नेम हैट है, तो वो एक थिंग हुई. उसको भी आप लोगों को अंडरलाइन कर देना है. जो है वो एक थिंग का नेमिंग वर्ड है. चलो, हमने आज कितने टॉपिक्स कवर किए? हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखे, फिर ये मैच द फॉलोइंग्स लिखे हैं. मैंने आप लोगों को एनिमल्स के यंग वंस बताया है. अगर आप लोगों को एनिमल्स के यंग वंस लिखना है तो आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हो, ठीक है? और जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक है उन लोगों को ये मैच द फॉलोइंग्स कंप्लीट कर लेना है और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कंटिन्यू करेंगे? नेमिंग वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे पेज नंबर 7 पे कॉमन नाउंस एंड प्रॉपर नाउंस दिया हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू